और ये हैं कौन क्रिश्चियंस लोग, इसका भी जवाब देना बहुत जरूरी है. वो आर दिस क्रिश्चियंस. अरे 12वीं शताब्दी में पूरा यूरोप भूखा नंगा, डायरिया, डिसेंट्री, 10-10%, 20-20% पॉपुलेशन एक बार में ये हो जाते. आप अगर 12वीं शताब्दी के अगर यूरोप में आप चले तो आपको मालूम है दृश्य क्या होता था. दृश्य ये होता था कि कोई आदमी अंधा, किसी के चेचक के ये टूथब्रश का कोई सवाल ही नहीं था उस समय, उठाई नहीं, दातुन तो होता ही नहीं था वहां. ठीक है, फिल्थ, स्कॉलर. और वो लोग, एंड दैट वाज कॉल्ड द डार्क एजेस. और ये आपको बता दूं कि सुअर घूमते रहते थे. फ्रांस में ऐसा हुआ कि एक कोई प्रिंस था, इतने सुअर घूमते थे कि एक इज हॉर्स स्टम्बल्ड ऑन ए पिग एंड ही डाइड. वो उसकी मृत्यु हो गई. अब रॉयल्टी ने बैन कर दिया पिग्स को. फिर बड़ा हंगामा हुआ भाई कि नहीं ये क्या बैन आपने करा. जानते हैं सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले में कौन था? चर्च. क्योंकि चर्च सबसे ज्यादा मात्रा में सुअर पालता था. दिस वॉज यूरोप एट दैट टाइम. अब मैं आपको बताता हूं ये विच हंटिंग. और मैं ये 16वीं शताब्दी वगैरह की बात कर रहा हूं. चर्च का ये मानना था कि औरतों को पढ़ाना यानी कि डेविल्स को पढ़ाने के समान है. तो उन्होंने जितना विरोध हो सकता था किया, इतना ही नहीं किया. ये विचेस, जो ये शब्द आया है विच हंटिंग, ये शब्द कहां से आया है? ये विचेस जो थी देवर एक्चुअली विमेन ऑफ साइंस. जो जिस तरह का भी उस समय मेडिकल प्रोफेशन रहा होगा, एक्सक्लूसिवली इट वॉज हैंडल्ड बाय विमेन. औरतें इस प्रोफेशन में थी. यहां तक कहा जाता है कि वो सर्जरी भी करती थी. और उनको पकड़े जाने पर इतना प्रताड़ित किया जाता था कि लोग कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि उस पीड़ा से बचने के लिए उन्होंने एनेस्थीसिया का आविष्कार किया था. वन ऑफ द थियोरीज. और फ्रांसिस वन के टाइम में, 16 सेंचुरी में, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके रूल में 100,000 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया था ये विच हंटिंग के नाम पे. और ये कब हो रहा था? ये उस समय हो रहा था जबकि आपके यहाँ ये मिशनरी यहाँ आके और आपको ये ज्ञान दे रहे थे और सती प्रथा के खिलाफ पता नहीं क्या क्या वो कर रहे थे. एक लेखक हैं डेविड स्टैनिंग, वो प्रोफेसर हैं इसके अमेरिका में हवाई यूनिवर्सिटी में. उन्होंने एक किताब लिखी है. उन्होंने लिखा है कि यूरोप का इतना बुरा हाल था कि सड़कें गंदी, दोनों तरफ पानी से भरे हुए डिचेस होते थे. उस डिच में मतलब ऐसी लाशें फेंकी रहती थी. कहते हैं कि बीमारी तो इतना, मतलब आपको ये एक सेंचुरी में कहते हैं कि कितने, मतलब 5 करोड़ पीपल इन 1 सेंचुरी डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेग. ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्लेग नहीं था, बट हमारे लोग उसका उपचार जानते थे. तो डेविड ने लिखा है, प्रोफेसर डेविड ने, कि अगर आप नरसंहार की बात करें, ये यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि तो सबसे बड़ा अगर नरसंहार हुआ है तो वो अमेरिका में हुआ है, जो वहाँ के जो एबोरिजिनल्स, जो रेड इंडियंस थे उनके खिलाफ.
और कहते हैं कि जब कोलंबस स्पेन छोड़ा तो उसने एक ऐसे देश को छोड़ा जो जो जितना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है फिल्थ और स्कॉलर और डिजीज़ का, उसने ऐसे देश को पीछे छोड़ा था। तो ये जो आपके यहाँ लोग आए वो कॉन्विक्ट्स क्रिमिनल्स आते थे तो इसी क्रिश्चियनिटी के नाम पे, पहले ट्रेड नहीं करने आए, वो वहाँ से चर्च वगैरह से परमिशन लेके यहाँ आते थे वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे, बट देवर बेसिकली कॉन्विक्ट्स एंड क्रिमिनल्स। और फिर आके यहाँ पर वो उन्होंने कन्वर्जन की दुकान खोल दी। अब कन्वर्जन कैसे होता था इसका भी मैं आपको एक वो उदाहरण देता हूँ। देखिए फ्रांसिस जेवियर 1552 में यहाँ आए, उसके पहले भारत के बारे में ज्ञान नहीं था यूरोप में ज़्यादा। वो कुछ लोग समझते थे कि ये पहले से ही क्रिश्चियन कंट्री है, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि क्रिश्चियनिटी कब शुरुआत हुई है उसकी। तो यहाँ पे आए तो ये फ्रांसिस जेवियर ये कोरोमंडल कोस्ट में आया, और कोरोमंडल कोस्ट में इन्होंने जितने मछुआरे थे उसको उनको अरब लूट लिया करते थे, उनकी मछलियाँ जो हैं उनकी कैच जो होती थी उसको। तो इसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन तुम लोग क्रिश्चियन बन जाओ, तो क्रिश्चियन बन गए। लेकिन उसके बाद भी ये वही मात्रा इनसे लेता था, एक बड़ी मात्रा, कहता भाई तुमको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ तो टैक्स भी तो दोगे। हाँ, ये सेंट फ्रांसिस जेवियर था। उसके बाद वो महाराजा ट्रावनकोर के में कुछ रॉयल फ्यूड चल रहे थे, तो महाराजा ऑफ ट्रावनकोर किसी का वो एजेंट का काम, मैसेंजर इसका काम कर रहा था, झगड़ा सुलझाने की में लगा हुआ था। तो कोई एक राजा बहुत खुश हो गए तो उनको कहा कि भाई इनाम में उसने बोला कि मुझे ये कन्वर्जन मछुआरों को कन्वर्ट करने का हमको इजाज़त दीजिए। और उसके बाद उसने कन्वर्जन शुरू किया और मछुआरों को कहा कि उनका बोट जब्त कर लेता था कि अगर तुम कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी बोट्स जब्त हो जाएंगे। और ये वही व्यक्ति था, ये वही व्यक्ति था फ्रांसिस जेवियर जिसने पहली बार पोप को, और पोप का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि लंदन की ये स्थिति थी कि वेनरल डिजीजेस इतना ज़्यादा लंदन में फैला हुआ था ये 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में कि पोप टेन आई थिंक लुइस ही हिमसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज। तो उसके बाद से इसने गोवा, ये इसने पोप को लिखा कि गोवा में इंक्विजिशन कोर्ट लगाइए, इंक्विजिशन एस्टैब्लिश कीजिए। इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन ये कन्वर्ट तो कर देते थे लेकिन होता क्या था कि अब पैसे के लिए, डर से, लालच से, हमारे यहाँ ज़्यादातर कन्वर्टीज वही हैं बाय द वे, पैसे से, डर से, लालच से कन्वर्ट तो कर देते थे लेकिन वो इन प्राइवेट चुपके से अपनी पुरानी देवी देवताओं, अपनी पुरानी पूजा पद्धति को फॉलो करते थे। तो इन्होंने एक स्पाइज और एजेंट्स का एक वो फोर्स तैयार किया, इंक्विजिशन करता था, और वो जगह जगह जाके देखता था कि कहीं वो पुरानी आस्था तो ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, और फिर अगर वो पकड़े गए तो इतना क्रूएल पनिशमेंट था कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। ये था फ्रांसिस जेवियर। ये चला उसके बाद चीन, पहुंचा नहीं, शायद कहीं मर गया रास्ते में। यहाँ मलेशिया में उसकी बॉडी 2 साल रही। 2 साल के बाद भाई एक हल्ला किया इन्होंने, अरे उसकी बॉडी तो वहाँ एग्ज्यूम हुई है और बिल्कुल फ्रेश है उसकी बॉडी, और उसको लाके यहाँ पे गोवा में रखा गया।
अब बॉडी तो बॉडी है साहब, कभी उसका अंगूठा गायब, कभी ये गायब, मतलब है वो होने लगा। वो सिर्फ इसलिए किया गया कि कैननाइजेशन, और मतलब उसको कैननाइज किया जा सके, उसको डिवाइन सेंट का दर्जा दिया जा सके, ये इसलिए किया गया था। अब मेरा सवाल ये है कि किसी को कैननाइज करना, कोई कैननाइज हो रहा है, कोई बीटीफाई हो रहा है, हमको उससे क्या लेना देना है? हमको उससे हिंदुस्तानियों को क्या मतलब है? अब बताइए, पोप अपना वेटिकन में जो भी करे वो, लेकिन ये जो प्रवृत्ति जो है हिंदुस्तान को कन्वर्ट करने की, हिंदुस्तान को बांटने की, हिंदुस्तान को डिमोरलाइज करने की, ये क्रिश्चियन महिला ने जारी रखा। जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, इसने क्या किया? इसने जैंस को स्पेशल माइनॉरिटी स्टेटस देने की कोशिश की, ताकि वो उनको हिंदू समाज से अलग किया जा सके। लिंगायत्स को अलग रिलीजन घोषित करने की कोशिश की गई। उसके बाद से आप देखिए, आपके जो शंकराचार्य हैं कांची के शंकराचार्य को इस महिला ने इसलिए जेल भेजवाया क्योंकि वो रिकन्वर्जन का एक प्रोग्राम चला रहे थे। पोप ने उनको कहा कि इस आदमी को ठिकाने पहुंचाओ, और उन पर फॉल्स मर्डर चार्ज लगाया गया। वो बरी हो गए क्योंकि उसमें दम ही नहीं था। ये तो किसी प्रेस वाले ने नहीं उछाला कि वो क्यों बरी हो गए। इसने फिर आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री थी, इस विदेशी महिला ने आपके मुख्यमंत्री को वो इनकम टैक्स के केसेस से डरा के और वो करके उन्होंने कहा कि इसको अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो इनको अंदर डालिए। अरुणाचल का मुख्यमंत्री, मैं उनको जानता था, उसको इसलिए इस महिला ने बदल वो चेंज करवाया। और अरुणाचल में एक तिरप सेक्टर है, कर्नल साहब जानते होंगे, तिरप सेक्टर इज बेसिकली वो नागा क्रिश्चियंस हैं, कोई 7 MLA हैं, उनका सपोर्ट, पोप के कहने पर उनका सपोर्ट विड्रॉ करवा के इसने मुख्यमंत्री बदल दिया क्योंकि वो कन्वर्जन में ज़्यादा सहायक नहीं साबित हो रहा था। इस महिला ने महेंद्र कर्मा और VC शुक्ला का जो कत्ल हुआ, उसके कत्ल करने वालों को इसका लीडर जो है उसने कहा कि ये क्रांतिकारी हैं। तो माओवादियों से मैडम का रिश्ता बहुत पुराना है। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, इट वॉज पैक्ड विथ माओइस्ट।